Now another C program, how to concatenating two string array or two character array. Suppose that अगर आपके पास two array available हैं, previous case में जैसे provide क्या किया था string copy operations, लेकिन इस case में perform क्या करना string concatenate operation. String concatenate operation के respect में just one string के contents आप other string के end position में append कराओगे. For example अगर आपके पास कोई character array available है with contents of size 5, say array containing 5 elements, this array having capacity of storing 5 characters, string s1 के रिस्पेक्ट में करंटली एज्यूम कर सकते हो सम कंटेंट्स एस ए बी सी, द रिमेनिंग पोजीशन में स्टोर किया हुआ जस्ट नल कैरेक्टर्स रेस्ट ऑफ द पोजीशंस, नल एंड नल. नेक्स्ट वन, इस एरे का मैं एड्रेस एज्यूम करूं मेरा 100 101 102 103 4 5 6 7 8 और 9. अगर इसका एड्रेस 100 है, लोकेशन को एक्सेस करने का वे क्या हुआ स्टार 100 स्टार 101 और वी कैन से s1 of 0 s1 of 1 एंड सो ऑन. सिमिलरली एक और स्ट्रिंग है आपके पास लाइक स्ट्रिंग s2 के केस में एज्यूम करो सम कंटेंट्स एज समथिंग 6 साइज. इसका साइज क्या है जस्ट एग्जैक्टली 6 बाइट्स. इस केस में कंटेंट्स हैं लाइक सम नेम ऑफ द पर्संस लाइक राहुल. Address may be 200, 201, 202. इस लोकेशन का एड्रेस 200 है तो एक्सेस करने का वे क्या होगा स्टार 200 स्टार 201 स्टार 202 और S2 के रिस्पेक्ट में नेम असाइन करेंगे जो S2 ऑफ 0 S2 ऑफ 1 एंड सो ऑन. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इट मीन बाय स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन. स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मैं जस्ट इस केस में परफॉर्म क्या करना चाहता हूं अपेंडिंग कंटेंट्स ऑफ S2 एंड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग S1. तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस केस में जस्ट वो कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करा देते हैं, उस केस में आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता बिकॉज कॉपी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आप जिस प्लेस से आप या जिस इंडेक्स से एलिमेंट एक्सेस करा सेम इंडेक्स में कॉपी करना. तो मींस प्रीवियस केस में दोनों ही स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में सेम इंडेक्स मैनेज किया डिफरेंट इंडेक्स एग्जैक्टली सेम इंडेक्स. लेकिन इसके इसमें स्पेशली याद रखना सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा स्ट्रिंग S1 के अंदर किस प्लेस से स्ट्रिंग कंटेंट्स अपेंड करना स्टार्ट करना. रीजन क्यों इसके इसमें ABC को आपको राहुल से रिप्लेस नहीं कराना, जस्ट ABC के एंड पोजिशन में अपेंड क्या कराना राहुल. तो इसके इसमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा नल पोजिशन इन साइड स्ट्रिंग S1. क्यों R इसके इसमें सबसे पहले किस प्लेस पर कॉपी हुआ फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल जस्ट आफ्टर सी के जस्ट बाद अभी करेंटली क्या है नल देन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपके पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के सी लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है strcat. इसके अंदर आप टू स्ट्रिंग पास करोगे लाइक S1 और S2. तो इसके अकॉर्डिंग S2 के कंटेंट्स अपेंड हो जाएंगे ऑन द स्ट्रिंग S1. लेकिन कंटेंट S2 के अंदर किस प्लेस से रीड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड और बिगिनिंग पोजीशन ऑनवर्ड्स. इसके समय फर्स्ट प्लेस पर कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा है चेक कर सकते हो. सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है पोजीशन ऑफ द नल. नल की पोजीशन करेंटली क्या है इंडेक्स के रिस्पेक्ट में आप कहें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नल की पोजिशन क्या है इसके समय जस्ट थर्ड. इस पोजिशन को आप फाइंड आउट कैसे करो जस्ट टू वेरिएबल्स मैनेज करना है आई को मैं मैनेज करूंगा रिस्पेक्ट टू S1 एंड जे को मैनेज करूंगा रिस्पेक्ट टू S2. तो S2 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, S2 के केस में डेटा किस प्लेस रीड करना फ्रॉम 0 इंडेक्स ऑनवर्ड. तो जे में डायरेक्टली क्या आसान कर सकते 0, लेकिन आई में क्या आसान कराएंगे जस्ट लेंथ -1 क्योंकि फर्स्ट नल का पोजिशन क्या रहेगा ऑलवेज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1. जैसे स्ट्रिंग S1 के रिस्पेक्ट में लेंथ क्या है इसका 3 -1 क्या होगा जस्ट 2. सॉरी इस केस में एग्जैक्टली लेंथ रिक्वायर्ड हो लेंथ 3 है तो थर्ड इंडेक्स ही आपको कॉपी कराना स्टार्ट करना. तो डायरेक्टली इस केस में आसान क्या कराएंगे आई इक्वल्स टू लेंथ ऑफ
एस वन। इस केस में लेंथ क्या है, लेंथ आप खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करोगे, मैंने जस्ट इसके लॉजिक्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किए है जो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराना, अगेन कॉपी ऑपरेशन मीन्स लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करने वाला। जस्ट कंडीशन क्या रहेगा, कॉपी कब तक कराना, जब तक स्ट्रिंग एस टू के अंदर आपको नल नहीं मिल जाता है। इस कब तक परफॉर्म कराओगे, वाइल एस टू इज नॉट इक्वल टू नल और एस वन ऑफ आई इक्वल टू एस टू ऑफ जी। मीन्स अगर आपने ऑब्जर्व किया प्रीवियस केस में और करेंट केस में लॉजिक्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ कॉपी ऑपरेशंस। ओनली इस केस में आपको इंडेक्सेस कितने मैनेज करना है, टू इंडेक्स। जैसे इस केस में एस वन ऑफ आई में नल साइन को देने, कंडीशन कैसा हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स होने के बाद जस्ट कंट्रोल कंसेंट को आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इस लूप को आप जस्ट टर्मिनेट कैसे कराओगे, सेमी कॉलन से। क्योंकि आपको लूप के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर कोई भी ऑपरेशन या लॉजिक्स प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। देन फाइनली इसे रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न सोर्स स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग में आप कंटेंट्स कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट्स किस में कॉपी कर रहे हैं, जस्ट एस वन में, तो रिटर्न क्या कराओगे इसके इसमें एस वन। नेक्स्ट वन वाट इज द आर्गुमेंट टाइप और रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन से रिटर्न क्या होगा, सोर्स स्ट्रिंग, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे कैर स्टार। देन फंक्शन नेम इज जस्ट कॉन्केट। कितने स्ट्रिंग पास होंगे इसके इसमें, टू स्ट्रिंग, इसलिए टू पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे, कैर स्टार एस वन कैर स्टार एस टू। देन दिस इज द लॉजिक्स ऑफ स्ट्रिंग कॉन्केट ऑपरेशन। जस्ट इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वन, सम वॉइड मेन, मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, जस्ट टू स्ट्रिंग डिक्लेरेशन एस वन और एस टू, जो कि मैं डायग्राम्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। कैर एस वन, एस वन का साइज के लिए मैंने मैक्सिमम साइज है 10। आसान क्या होगा इस केस में, जस्ट मैंने इनिशियली प्रोवाइड किया ए बी सी, देन इसके रिस्पेक्ट में डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है। सेम एज एस टू, कैर एस टू, एस टू का मैंने कोई साइज प्रोवाइड नहीं किया है और S2 में कंटेंट्स क्या कॉपी हुआ है, राहुल। नेक्स्ट में इसके अंदर कॉल क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट एफ के अंदर मैंने कॉल किया स्ट्रिंग कॉन्केट ऑपरेशन, प्रिंट एफ परसेंट एस। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कैर स्टार, मीन्स इस रिटर्न क्या हुआ, स्ट्रिंग इटसेल्फ। स्पेस नहीं, जस्ट मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, जस्ट कॉमा के बाद कॉन्केट। कॉन्केट के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में मैंने पास किया एस वन, सेकेंड आर्गुमेंट में पास किया एस टू, मीन्स एस वन के प्लेस पर एस वन का बेस एड्रेस रिप्लेस हुआ, एस टू के प्लेस पर एस टू का बेस एड्रेस रिप्लेस हुआ। अगेन वन मोर टाइम मैंने डिस्प्ले कराया कंटेंट्स ऑफ एस वन परसेंट एस देन एस वन, क्योंकि चेंजेस किस में हो रहे हैं, ओनली एस वन ओनली। जैसे इस केस में फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट हुआ तो एस वन के प्लेस पर क्या पास हुआ, जस्ट 100। S2 के केस में पास क्या हुआ, 200, क्योंकि S2 का बेस एड्रेस क्या, 200। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल थ्री वेरिएबल्स क्रिएट, फोर वेरिएबल्स क्रिएट हुए, S1, S2, I एंड J, क्लियर। एंड डायग्राम क्रिएट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल S1, S2, I एंड J। फर्स्ट वन, एस वन के रिस्पेक्ट में आसान क्या हुआ, फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया था 100, तो 100 किस में कॉपी हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल एस वन। एस टू में क्या आसान हो जाएगा, 200। आई का इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड किया है, लेंथ ऑफ एस वन, एस वन के रिस्पेक्ट में आप क्या, एस वन पॉइंटर जैसे स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, एस वन किसको पॉइंट करेगा, एस वन स्ट्रिंग को, तो इस केस में इसका लेंथ क्या है, फिजिकली 3। इस केस में आई में क्या आसान हो जाएगा, वैल्यू एज 3। सेम है जे के केस में क्या आसान हुआ है, 0। मीन्स आई किसके लिए मैनेज करेंगे, आई मैनेज करेगा इंडेक्स ऑफ एस वन, सेम है जे मैनेज करेगा इंडेक्स ऑफ एस टू। नेक्स्ट वन, आप चाहो तो इनिशियलाइजेशन इस प्लेस पर भी आपके लिए प्रोवाइड करना पॉसिबल है। प्लस इसके इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर करा हुआ, अगेन इंटीजर आई कॉमा जे। नेक्स्ट ऑपरेशन, जैसे इस लूप को मैनेज करेंगे कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एस वन ऑफ आई, वो आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे, आई का वैल्यू और आई का करेंटली वैल्यू क्या है, 3। देन एस टू ऑफ जे, एस टू ऑफ जे के रिस्पेक्ट में जे का वैल्यू क्या रिप्लेस कराएंगे, 0। तो चेक कर सकते हो एस टू ऑफ 0 किस लोकेशन का नेम है, मीन सेम। इस केस में बिगिनिंग एड्रेस पास किया इसलिए नेम भी कैसे सेम, दिस वन इज एस वन ऑफ 0, एस टू ऑफ 0, क्लियर। नेक्स्ट में एस टू ऑफ 0 के केसेस में करेंटली कंटेंट्स क्या है, एस टू ऑफ 0 में क्या फंड हो रहा है, आर,
इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, कैरेक्टर आर। यानी कैरेक्टर आर एस वन के अंदर किस इंडेक्स में साइन होगा, थर्ड इंडेक्स। नाउ नल इज रिप्लेस्ड बाय आर, क्लियर। इस टाइप से डेटा अपेंड होना स्टार्ट हो जाए। मीन्स ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट कैसा, सिमिलर टू कॉपी ऑपरेशन, ओनली डिफरेंस क्या है, कॉपी ऑपरेशन में डेटा किस इंडेक्स से कॉपी कराना स्टार्ट किया था, फ्रॉम जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स। लेकिन इस केस में डेटा किस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ द नल कैरेक्टर ऑनवर्ड्स, क्लियर। दैट्स अ डिफरेंस। बाकी सारे केस कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट टाइम एस वन ऑफ थ्री में कॉपी क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट टाइम उसके बाद बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो, वन मोर थिंग्स, इस प्लेस पर कंडीशन के अंदर रिप्लेस क्या हुआ, एस वन ऑफ थ्री का वैल्यू, और एस वन ऑफ थ्री का वैल्यू क्या हो चुका है, आर। इसलिए इस कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, आस की वैल्यू ऑफ आर, और आर का आस की वैल्यू कैसा हुआ, जीरो और नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू, केवल नल के केस में कंडीशन फॉल्स होगा, रिमेनिंग सभी केस में कंडीशन ट्रीट होगा एज अ ट्रू कंडीशन। नेक्स्ट वन, कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ, बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी इज एम्प्टी, बॉडी के जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, वो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट वन। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, अगेन कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू, आई का करंटली वैल्यू क्या है, फोर, एंड जे का करंट वैल्यू क्या है, वन। तो इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ, एस टू ऑफ वन, चेक इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस टू ऑफ वन, ए। इस प्लेस पर फाइंड रिप्लेस क्या हुआ, कैरेक्टर ए। नाउ ए इज असाइन टू द एस वन ऑफ फोर्थ इंडेक्स, एस वन के अंदर फोर्थ इंडेक्स में अगेन क्या फाउंड हो रहा, नल। नाउ नल इज रिप्लेस्ड बाय कैरेक्टर ए, इस बिगिनिंग टू कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम अगेन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, करंट वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ फोर, और एस वन ऑफ फोर का करंट वैल्यू ए है, इसलिए नेक्स्ट टाइम कंडीशन में क्या रिप्लेस होगा, ए। ए के अकॉर्डिंग अगेन ए का आस्की वैल्यू क्या, 65, मीन्स नॉन जीरो। कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर से परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। नाउ वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 5 और वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 2। अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी इज एम्प्टी, देन सॉरी बॉडी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जस्ट बाद कंडीशन टेस्टिंग, अगेन कंडीशन टेस्ट कराएं तो स्पेस पर अगेन रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ जे। आई का करंट वैल्यू 5 फाउंड हो रहा है, तो एस वन के अंदर इंडेक्स वैल्यू क्या पास होगा, 5। एस टू के केस में एस टू का इंडेक्स वैल्यू क्या पास होगा, एस टू के अंदर जे पास करेंगे और जे का करंट वैल्यू क्या है, 2। तो एस टू के अंदर स्ट्रिंग एस टू के अंदर किस इंडेक्स से वैल्यू रीड करोगे, सेकेंड इंडेक्स क्या फाउंड हो रहा है, एच। तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा कैरेक्टर H प्लस एच, एस वन के अंदर किस इंडेक्स में कॉपी होगा, फिफ्थ इंडेक्स। अगेन फिफ्थ इंडेक्स के अंदर नल रिप्लेस किस हो जाएगा, कैरेक्टर H। तो अभी तक मीन्स फाइनली इस स्ट्रिंग से कितने कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके हैं, 3 कैरेक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा एस वन ऑफ 5 का वैल्यू, और एस वन ऑफ 5 में क्या फाउंड हो रहा है, एच। नेक्स्ट टाइम कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, कैरेक्टर एच। तो एच का भी आस की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, इसलिए कंडीशन ट्रीट हो गया जाए ट्रू। अगेन परफॉर्मिंग आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, आई बिकम 6, जे बिकम्स 3, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन फिर से सेम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 6, एंड जे के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, जे का वैल्यू है 3। एस टू ऑफ 3 में क्या फाउंड हो रहा है, एस टू ऑफ 3 मीन्स ईओ, 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स में क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जस्ट यू। तो नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ इसके, इसमें कैरेक्टर यू इनसाइड एस वन ऑफ 6, एस वन ऑफ 6 की केस में नल अगेन किस से रिप्लेस हो जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू यू। नेक्स्ट टाइम कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस हुआ एस वन ऑफ 6 का करंट वैल्यू, विच इज यू, यू का भी आज की वैल्यू कैसा, नॉन जीरो। अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, क्लियर। देन आई के प्लेस पर नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, तो कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अगेन आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, आई का करंट वैल्यू 7, जे के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे जे का करंट वैल्यू 4। एस टू ऑफ 4 में क्या फाउंड हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स में क्या है, जस्ट एल। नेक्स्ट टाइम रिप्लेस होगा कैरेक्टर एल, कैरेक्टर एल एस वन के अंदर किस इंडेक्स में कॉपी होगा, 7th इंडेक्स, मीन्स दैट प्लेस। आसान क्या हो जाएगा इस प्लेस पर, जस्ट एल। देन इस कंडीशन के प्लेस पर एस वन ऑफ 7 का वैल्यू रिप्लेस हो, विच इज एल, और एल का भी आस्की वैल्यू कैसा, नॉन जीरो। कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन आई, इंक्रीमेंट इन जे। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करेंगे तो आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे जे के प्लेस पर जे का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है 8 और जे का वैल्यू क्या है इस केस में 5।
एस टू ऑफ फाइव में करेंटली फाउंड क्या हो रहा है, नल कैरेक्टर। तो नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ इसके अंदर, नल। नल किस पोजिशन में फाउंड कॉपी होगा, एस वन ऑफ एट, एट्थ इंडेक्स। इस प्लेस पर ऑलरेडी नल एग्जिस्ट करा, फिर से कॉपी भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो नल। नेक्स्ट टाइम रिप्लेस क्या करोगे, वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ एट, और एस वन ऑफ एट इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, नल, इसलिए रिप्लेस भी क्या हुआ, नल। नल मीन्स इक्विवेलेंट टू जीरो, जीरो का मीनिंग क्या रहेगा, जस्ट कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। इस कंट्रोल लूप से बाहर आने से पहले आप चेक कर सकते हो एस टू के सारे कंटेंट्स स्ट्रिंग एस वन के एंड में अपेंड हो चुके हैं, क्लियर। मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं सारे के सारे, देन रिटर्न क्या हो रहा है, एस वन, और एस वन के केस में क्या पास किया था आपने, एस वन में करंटली क्या स्टोर है, 100। इस प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस है 100, तो 100 पास भी किया। मीन्स इस कॉन्केट फंक्शन के केस में प्रिंट एफ रिटर्न क्या करेगा, 100। देन प्रिंट एफ 100 लोकेशन से कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना स्टार्ट करेगा अप टू फर्स्ट ऑक्रेंस ऑफ नल, और 100 प्लेस ऑनवर्ड्स फाउंड क्या हो रहा है, ए बी सी राहुल देन नल। तो प्रिंट क्या हुआ, ए बी सी राहुल, देन जैसे इसको नल मिलेगा देन प्रिंट करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट टाइम अगेन डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एस वन, आप चाहते हैं स्लैश एन यूज कर सकते हो। देन एस वन के केस में भी एस वन के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ, एस वन का बेस एड्रेस अगेन 100, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग ए बी सी राहुल। आप इस केस को टेस्ट कर सकते हो लाइक दैट, सपोज दैट कॉन्केट फंक्शन में अगर आप पास करते हो लाइक कॉन्केट कॉन्केट एस वन प्लस वन कॉमा एस टू लाइक दैट और समथिंग, इस केस में पास किया हुआ 101। तो नेक्स्ट टाइम नल का पोजिशन अगेन कहां से सर्च होगा, 101 ऑनवर्ड्स, तो अगेन नल सेम प्लेस पर मिले, इससे मीन्स अगेन सेम आउटपुट मिले, नो चेंज, क्लियर। क्योंकि बार बार डेटा अपेंड किस प्लेस करें, फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स और फ्रॉम एंड पोजिशन ऑनवर्ड्स। एंड पोजिशन मीन्स आप फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस पास करो या सेकंड कैरेक्टर का एड्रेस पास करो, नल का पोजिशन ऑलवेज क्या सेम, इसलिए सेम प्लेस से डेटा अपेंड होना स्टार्ट हो। दिस इज द लॉजिकल बिहेवियर ऑफ कॉन्केट फंक्शंस।